हेलो नमस्कार दोस्तों, 9 अगस्त 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज के इस एडिटोरियल डिस्कशन में 7 और 8 अगस्त के भी जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, आज पहले तो हम आज के एडिटोरियल वो डिस्कस करेंगे, इसके साथ ही कल का 2 एडिटोरियल इम्पोर्टेंट है, वो बेसिकली उन एडिटोरियल के बारे में आज भी डिस्कस किया गया है, तो हम दोनों को एक साथ मिला के डिस्कस करेंगे। और जो परसों का हमारे एडिटोरियल रह गए थे उनको मैं भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। परसों बेसिकली द हिंदू में एक ही एडिटोरियल इम्पोर्टेंट था, बाकी पूरे राजनीति से रिलेटेड थे, एनआरसी वगैरह से थे, तो वो हमारे लिए कोई भी काम का नहीं होता क्योंकि उस बारे में हमने ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए, कुछ नया कोई पॉइंट था नहीं उसमें। और एक हम इंडियन एक्सप्रेस का अलग से आर्टिकल वो डिस्कस करेंगे स्किल के बारे में। तो चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहला जो आज आर्टिकल आया हुआ है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और मानसून के बारे में। तो देखो, राइटर पहले थोड़े इसके बारे में बता रहे हैं कि देखो हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने अभी मानसून के बारे में प्रेडिक्शन या अपनी जो उम्मीद है वो बताई है कि मानसून है वो इस बार ठीक ठाक रहने वाला है। अभी तक तो देखा जाए तो जितनी एवरेज बारिश होती है उससे लगभग 3% कम हो रही है, बट ये जो महीना अभी हमारा अगस्त का, इसमें बारिश ठीक ठाक हो जाएगी, तो कुल मिला के कोई बड़ा इश्यू रहने वाला नहीं है। हमें थोड़ा फैक्ट्स पता होना चाहिए कि देखो हमारे देश की जो एग्रीकल्चर या खेती है वो 60% बारिश के ऊपर डिपेंड है, वो करती है। तो इसलिए अगर बारिश नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारे फूड सिक्योरिटी या फूड सिस्टम पे भी इफेक्ट है, वो आ सकते हैं। इसके साथ ही एडिटर बता रहे हैं कि देखो एक दिक्कत है इस बार बारिश की, वो ये है कि जो बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही ढंग से नहीं है। मतलब कहीं तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं बारिश है वो बहुत कम हो रही है। जैसे कि एडिटर बता रहे हैं कि कोस्टल एरिया जैसे कि मुंबई वगैरह वहाँ पर फ्लड आ रही है कुछ सिटीज़ में, और कुछ जगह हालात के हैं कि वहाँ पर बिल्कुल ही सूखा पड़ रहा है, तो इनरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही कई जगह फ्लड से काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, एग्रीकल्चर भी ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ा है। जैसे कि ज़्यादा बारिश आ गई तो डैम वगैरह फुल हो गए हैं, तो उनसे भी काफ़ी दिक्कत हुआ है, पानी का ओवर फ्लो हुआ है। इसके साथ ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी आ रहा है, क्योंकि देखो कुछ एरियो में अगर पानी ढंग से मतलब बारिश नहीं हो रही है तो उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी दिक्कत है, वो आती है। जैसे कि अगर नॉर्थ इंडिया है, इसके अंदर अगर बारिश धीरे धीरे हो रही है तो इसका बेनिफिट क्या होता है, बारिश धीरे धीरे होगी तो पानी क्या होगा, धीरे धीरे जमीन में रिस रिस के जाएगा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। वहीं साउथ के अंदर एरिया में देखा जाए तो जमीन काफी टफ होती है, तो उस वाले एरिया में अगर बारिश ज्यादा तेजी से होती है तो पानी जल्दी रिचार्ज है वो होता है। तो मतलब ज्योग्राफिकल एरिया आप बोल सकते हो कि ज्योग्राफिकल काफी डिफरेंस होते हैं, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर रिचार्ज में दिक्कत है आती है। बट बाद में राइटर ये बता रहे हैं कि देखो हमारे देश की अगर 60% खेती देखा जाए तो बारिश पर डिपेंड है, तो कहीं ना कहीं हमें तो वाटर कंजर्वेशन पे फोकस है वो करना चाहिए। इसके साथ ही अहम बात यह है कि जिन एरियो में स्लो या तेजी से बारिश हो रही है उस पर भी हमें ध्यान रखना है, पानी को सेव करना चाहिए ताकि ज्यादा बारिश है तो पानी को बचा लिया जाए और फिर जब बारिश कम हो रही है तो उस दौरान उसको यूटिलाइज है वो किया जाए। बाद में राइटर लास्ट में वे फोर्ड में यही कह रहे हैं कि देखो हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही काम है वो करना चाहिए, और हमें जो भी डाटा है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग मिला के काम वो करना चाहिए, रिसर्च वगैरह करके हमें पानी का और ढंग से यूटिलाइजेशन है उस पर फोकस है वो करना चाहिए। तो ये बात इस आर्टिकल में कुछ की गई है, तो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है यूपीएससी के अंदर एक्चुअली लेटरल एंट्री को लेके। देखो इसके बारे में काफी विरोध भी हुआ है, काफी पॉजिटिव पॉइंट्स भी आए हैं, सारी डायमेंशन यहाँ पे सामने आ रही है। पहले तो कंटेक्स्ट ऐसा आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, जॉइंट सेक्रेटरी की 10 पोस्ट थी वहां पे लेटरल एंट्री को अलाउ करने की बात वो की थी, और उन्होंने उसके लिए आवेदन भी एप्लीकेशन भी निकाल दिए थे कि भाई 10 लेटरल एंट्री से जो वैकेंसीज हैं उनको भरा जाएगा। तो ये जो ही ऐसा काम हुआ, इसके बाद जो नॉर्मली आईएएस होते हैं उनके द्वारा इस चीज़ का विरोध करने किया जाने लग गया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू है, उनकी प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। तो काफ़ी सारे इशू सामने, देखो लेटरल एंट्री के पॉजिटिव पॉइंट भी हैं और नेगेटिव पॉइंट भी हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और बाद में ये भी जानेंगे कि किस तरीके से हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए ताकि किसी का भी नुकसान है वो ना हो। देखो लेटरल एंट्री का पहले तो मतलब समझते हैं, लेटरल एंट्री का मतलब ये है, सीधी सीधी बात यह है कि जो बड़ी पोस्ट है वहाँ पे किसी बिना किसी एग्जाम के तरीके से डायरेक्टली किसी को अपॉइंट करना। देखो नॉर्मली आईएएस कैसे बनते हैं, पहले हम प्रीलिम्स होती है, फिर मेंस होती है, फिर इंटरव्यू है, उसके बाद हमें धीरे धीरे अपॉइंटमेंट मिलता है, उसके बाद हमें प्रमोशन होते हुए हमें एक तरह से आईएएस बड़ी पोस्ट हमें मिलती जाती है। बट अगर आप देखिए, अगर वहीं किसी थर्ड पार्टी कोई एक आदमी ऐसा हो जिसने ना तो वो एग्जाम वगैरह दियो और डायरेक्टली उसे बड़ी पोस्ट पर रखा जा रहा है, तो ये होगी बेसिकली लेटरल एंट्री। अब देखो इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है वो राइटर के भी देखेंगे हम, राइटर की साइड से भी, और गवर्नमेंट अपने क्या आर्ग्यूमेंट दे रही है उनको भी हम डिस्कस है वो करने वाले हैं। देखो तो नेगेटिव पॉइंट सबसे बड़ा ये बात की जाती है कि देखो अगर गवर्नमेंट ऑब्वियसली अपॉइंट कर रही है तो गवर्नमेंट अपने लोगों को वहाँ पे अपॉइंट कर सकती है हायर पोस्ट पे। जैसे मान लो कि अभी बीजेपी का आपको बताया रूल है, अगर बीजेपी फिलहाल लेटरल एंट्री को अलाउ कर रही है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने या उसकी बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उससे प्रभावित लोगों को ऑब्वियसली अनुमति या सपोर्ट दे सकती है कहीं ना कहीं। तो कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे कि वो उनको सपोर्ट दे, बट ऐसी पॉसिबिलिटी तो है ना कि अगर बीजेपी है तो वो अपने बंदे को देगी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं, ताकि वो फ्यूचर में अगर काम फ्यूचर में बीजेपी की सरकार ना हो उस दौरान भी वो बीजेपी तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ काम आए ना। तो कहीं ना कहीं इससे क्या है, एक तो बिजनेस ग्रुप है बड़े बड़े वो शामिल हो जाएंगे क्योंकि उनके पॉलिटिकल पार्टियों से लिंक होते हैं, और वो इसकी हेल्प से क्या करेंगे, अपनी जो इंटरेस्ट है उनको सर्व करवाने की कोशिश करेंगे। ये मान लो आप कि
जैसे कि अंबानी का आप एग्जाम्पल ले लो कि अंबानी बाई चांस अपने किसी भी मतलब पर्सन वगैरह को लेटर एंट्री के थ्रू सिस्टम में एंट्री वो करवा देते हैं, इसके बाद कोई भी पॉलिसी होगी वो तो उनके अकॉर्डिंग बनेगी ना, क्योंकि वो तो अंबानी का आदमी है, तो कहीं ना कहीं देखो वो न्यूट्रल होकर तो काम नहीं कर पाएगा। तो एक तो इश्यू उसमें सबसे बड़ी बात यह आती है कि शॉर्टकट है वो अलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मिसयूज बहुत ज्यादा होने के चांसेस हैं। इसके बाद में बात यह है कि लेटरल एंट्री है उससे काफी ज्यादा दिक्कत भी आता है, मतलब जो बायस्ड हो सकते हैं। बायस्ड का समय मैंने आपको भी बताया कि अगर बीजेपी के टाइम पे किसी को अपॉइंट किया जा रहा है तो हो सकता है ऑब्वियसली वो बीजेपी की आइडियोलॉजी से प्रभावित हो या बीजेपी के सपोर्ट में ही काम करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसे तो लगेगा डर कि यार अगर मैं बीजेपी के सपोर्ट में काम नहीं करूंगा तो बीजेपी मुझे बाहर निकाल देगी, क्योंकि उन्होंने मेरे को अपॉइंट किया है तो कहीं नहीं मुझे उनके लिए ही काम करना होगा। अगर कोई भी गलत काम होता है तो बीजेपी का सपोर्ट करेंगे कहीं ना कहीं, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से बायस्ड वाला काम हो यहाँ पे हो गया है। पॉजिटिव पॉइंट की अगर हम बात करें, देखो एक तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि नया टैलेंट सिस्टम में आ सकता है। हो सकता है कोई आदमी ऐसा हो कि जो एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा बट उसके पास काफी अच्छा टैलेंट हो, मतलब किसी एरिया में बहुत अच्छी स्किल या बोल सकते हो काफी अच्छा नॉलेज हो जाए, तो उस कंडीशन में फायदा भी तो हो सकता है ना, मतलब फ्रेश टैलेंट है हमारे सिस्टम में एंट्री वो करता है। इसके साथ ही बात यह है कि हायर लेवल पे जो सिविल सर्वेंट है वो कैसे काम करती है हमें पहले ये जानना होगा। तो राइटर का सबसे पहले जो यहाँ आज के इस आर्टिकल में बेसिकली पॉइंट है वो है कि हमारे देश में हायर लेवल के ऊपर जो सिविल सर्वेंट है ब्यूरोक्रेसी है वो किस तरीके से काम करती है ये चीज हमें समझनी चाहिए, और उसके आधार पर हमें डिसीजन लेना चाहिए कि भाई लेटर एंट्री सही है या गलत है और क्या क्या इसमें खामी है। तो पहले हम वो समझते हैं, पहली बात यहाँ पे आती है कि जो क्लासिकल ब्यूरो सर्वेंट, देखो क्लासिकल ब्यूरो सर्वेंट का मतलब ये है कि जो नॉर्मली एग्जाम देके जो पूरे ट्रेंड्स के थ्रू आते हैं, पहले प्रीलिम्स हुआ फिर मेंस हुआ, इस तरीके से जो एग्जाम देके आ रहे हैं उनको बोला जाता है क्लासिक ब्यूरो सर्वेंट, और जो डायरेक्टली लेटरल एंट्री के थ्रू आ रहे हैं उनको गए नॉर्मली सर्विस, मतलब उनको यहाँ पे एक्चुअली आप बोल सकते हो कि लेटरल एंट्री के थ्रू, बट ये थोड़ा वर्ड आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है कि जो ब्यूरोक्रेट होते हैं या फिर जो टॉप ब्यूरोक्रेसी होती है वो काम क्या करती है, उसका काम क्या है, हमें वो तो पता होना चाहिए ना, तभी तो हम बताएंगे कि लेटरल एंट्री अलाउ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कि भाई ऐसा काम कर रहा है नहीं कर रहा कोई। देखो बेसिकली बात करें टॉप ब्यूरोक्रेसी है उसका काम ये है, एक तो जो स्पेशलाइज बॉडीज होती हैं इनके बीच में, उसके साथ जो राजनीतिक एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल पार्टी है उनके बीच में एक तरीके से लिंक का काम है वो करती है। इसे हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं तभी हमें और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो आप ये ले लो, आपको एक चीज पता है कि जैसे ये मान लो कि कोई भी पॉलिसी वगैरह बनानी है तो पॉलिसी बनाने का काम नेता खुद तो नहीं करते हैं, नेता लोग तो डायरेक्टली साइन करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं कि हाँ भाई ये स्कीम है ये इम्प्लीमेंट करनी है, नेता लोगों के तो डायरेक्टली साइन ही होते हैं, इसके अलावा और कोई नया काम है वो नहीं होता है। ये आपको पता है बेसिकली कि ये फंडा यहाँ पे काम वो करता है, मतलब पॉलिटिशियन का काम क्या होता है केवल परमिशन देना कि हाँ ना ये काम होगा या नहीं होगा, बाकी सारा जो काम है ब्यूरोक्रेसी के द्वारा ही किया जाता है। अभी मान लो कि कोई भी आइडिया है, ये मान लो किसी इंडस्ट्री वगैरह की तरफ से कोई आइडिया आएगा कि देखो हमें एक तरीके से वाटर कंजर्वेशन पे ऐसे ऐसे स्टेप, मतलब वाटर कंजर्वेशन पे फोकस करना चाहिए। अब वाटर कंजर्वेशन पे हमें फोकस करना या स्टेप उठाना है तो कौन कौन से हम स्टेप उठा सकते हैं, वो काम तो ब्यूरोक्रेसी करेगी ना, मतलब ब्यूरोक्रेसी तो एक पूरी प्रोफाइल तैयार करेगी पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगी और फिर वो पॉलिटिकल पार्टियों को देगी कि हाँ भाई ठीक है अब आप बोले कि हमें ये काम करना है या नहीं करना। तो एक तरीके से देखा जाए तो ब्यूरोक्रेट काम क्या हुआ, कहीं ना कहीं दोनों जो स्पेशलाइज्ड बॉडी होगी जिसने कहा कि हाँ भाई मैं पानी को कंजर्व करने के लिए काम करना है वो बॉडी होगी, और जो पॉलिटिकल पार्टियां हाँ या ना काम करना नहीं करना वो बताएंगी, इन दोनों के बीच में तो काम किया ना ब्यूरोक्रेसी ने, मतलब कहीं ना कहीं सारा काम हो ब्यूरोक्रेसी पे ही है। आप देखो तो ब्यूरोक्रेसी के द्वारा ही सारे काम को टेकल किया जाता है, जो भी ड्राफ्ट वगैरह तैयार किए जा रहे हैं, जो भी पॉलिसी वगैरह बनाई जा रही है, स्कीम वगैरह बनाई जा रही है, वो तो ब्यूरोक्रेट्स मिलकर ही बनाते हैं। तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी का रोल बेसिकली हमने यहाँ पे डिस्कस है वो किया कि इनका रोल क्या होता है। हमारे देश में कोई भी निर्णय लेना होता है फाइनल निर्णय तो देखो होता है पॉलिटिकल पार्टियों के हाथ में, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली जनता से इलेक्ट होते हैं, एमपी और एमएलए होते हैं, सांसद मंत्री वगैरह होते हैं, ये क्या होते हैं डायरेक्टली जनता से इलेक्ट होकर आते हैं, तो इसलिए इनकी जवाबदेही बनती है कि भाई ये निर्णय लें कि ये काम होना है नहीं होना। जैसे कि ये मान लो कहीं भी कोई आप ये ले लो कि पानी को कंजर्व करने के लिए कोई पॉलिसी लेके आनी है तो उस पॉलिसी के लिए हमें काम कैसे करना है, वो पॉलिसी का सारा काम है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक तरीके से फुल फोकस किया जाएगा, उसके बाद ही काम हो किया जाएगा। कोई भी आइडिया है उसको सही ढंग से प्रॉपर फ्रेमवर्क में प्रॉपर आप बोल सकते हो कि प्रपोजल है उसको तैयार करने का काम बेसिकली किया जाता है ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, डिस्कशन की जाती है सारे काम होते हैं ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, मतलब जो मेन काम होता है आप एक तरीके से कह सकते हो ब्यूरोक्रेसी के द्वारा ही किया जाता है। जो भी कॉम्प्लेक्स टेक्निक है हमारे इश्यूज वगैरह किसी भी उनको समझने के लिए ब्यूरोक्रेसी का बेसिकली यूज है वो किया जाता है। बड़े निर्णय में देखो किसी चीज़ को गारंटी नहीं होती, कोई भी डिसीजन वगैरह ले जाते हैं तो मैं आप ये नहीं कह सकते कि हाँ यार इसका पॉजिटिव ही होगा नेगेटिव होगा, तो काफी सारे डायमेंशन बेसिकली यहाँ पे होते हैं। फिर यहाँ पे राइटर देखो अपना पॉइंट बता रहे हैं, ये राइटर की तरफ से पॉइंट आ रहा है कि जो आईएएस वगैरह ब्यूरोक्रेट वगैरह होते हैं ये आईएएस आईपीएस वगैरह ये एक्चुअली जर्नलिस्ट होते हैं, इनके काफी अच्छा इनके पास एक्सपीरियंस होता है क्योंकि देखो ये एग्जाम देखे आते हैं, इसके साथ ही काफी सारे फील्ड में काफी सारे एरिया में इन्होंने काम किया होता है, तो एक तरीके से जर्नलिस्ट का काम करते हैं, इनकी अप्रोच बेसिकली न्यूट्रल ही होती है। इसके साथ ही जो भी एक्सपर्ट वगैरह होते हैं वो ये नहीं होते, एक्सपर्ट का काम किसी और के द्वारा हो सकता है क्योंकि ये तो जर्नलिस्ट है और एक्सपर्ट है वो एक अलग से आता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि भाई जिस आप ध्यान से सुनना ये पॉइंट काफी
इंपॉर्टेंट है कि हमें जिस एरिया में एक्सपर्ट की नीड है वो पहले तो हमें क्या करना चाहिए, उस एरिया के अकॉर्डिंग हमें ये देखना चाहिए कि यार हमारे सिस्टम में ऐसा टैलेंटेड आदमी है या नहीं है। पहले तो गवर्नमेंट को ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जैसे कोई भी प्रपोजल आ रहा है उसके लिए गवर्नमेंट देखे कि हाँ इस एरिया के लिए हमारे पास कोई स्पेशलाइज्ड आदमी है या नहीं है, कोई एक्सपर्ट है या नहीं है। अगर गवर्नमेंट के पास कोई भी ब्यूरोक्रेट ऐसा नहीं है जो उस एरिया में स्पेशलाइज्ड हो, देन हमें लेटरल एंट्री को उस एरिया में अलाउ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले हमारे पास जो टैलेंट पड़ा है उसको तो हम एक तरीके से साइड में रखें और फिर दूसरे टैलेंट को हम बोले कि हाँ यार ये टैलेंट ठीक है इसको हम एंट्री देते हैं। पहले हमारे पास जो टैलेंट है उसका यूज करो, इसके बाद हमें देखना चाहिए कि हाँ भाई इस टैलेंट की कमी है तो उसको हम लेटरल एंट्री के थ्रू अलाउ है वो कर सकते हैं। इसके साथ ही राइटर ये कह रहे हैं कि जो प्रोफेशनलिज्म वर्ड हुआ, इसके साथ ही जो स्पेशलाइजेशन वर्ड हुआ, वो जो टेक्निकल एक्सपर्टीज का वर्ड हुआ, ये वर्ड देखो आपस में काफी सिमिलर भी लगते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जो प्रोफेशनलिज्म का काम यहाँ पे किया जा रहा है, जो स्पेशलाइजेशन का काम किया जा रहा है, ये काफी हद तक काफी इंपॉर्टेंट काम हो जाते हैं और ये सारे काम ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा भी बेसिकली किए हो जाते हैं। अब ब्यूरोक्रेट्स का देखो एक पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है, ब्यूरोक्रेट को क्या है, देखो एक तो सबसे अहम बात है कि जब धीरे धीरे वो सिस्टम में काम करते हैं तो उन्हें सिस्टम के बारे में प्रॉपर पता होता है कि किस फ्रेमवर्क में हमें काम करना है, कौन कौन सी अप्रोच है, कैसे लेके चलनी है और कैसे हमें सिस्टम के साथ मिलकर काम करना है, कहाँ कहाँ खामियां उनको हमें दूर करना है। बाहर का कोई भी आदमी एंट्री करेगा सिस्टम में डायरेक्टली तो उसे इन सबका पता नहीं होता कि सिस्टम कैसे काम करता है। हमें काफी ईजी लगता है जैसे बाहर बैठे कि यार सिस्टम एक दिन में ऐसे रूल लागे देना चाहिए, इतने टफ रेगुलेशन होने से, बट वैसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिस्टम को हमें पूरे धीरे धीरे रिफॉर्म लाने होंगे। तो वही बात है कि जो आदमी सिस्टम में पहले से, मतलब ब्यूरोक्रेट तो सिस्टम में पहले से होते हैं तो उनके पास तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन या प्रॉपर काम या प्रॉपर फ्रेमवर्क भी होता है कि हमें ऐसे ऐसे इस तरीके से काम हो करना है। और धीरे धीरे देखो अगर ऑब्वियसली 5-10 साल उनको हो जाएंगे, आप यहाँ पे बेसिकली रेटर करें कि 10 साल, कि 10 साल के बाद उनके पास किसी न किसी एरिया में एक्सपर्टीज है वो आ जाती है, मतलब इस एरिया में वो एक्सपर्ट है और उस एरिया में वो अच्छा काम हो कर सकते हैं। अगर उस एरिया में वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो फिर उन्हें अपॉइंट नहीं करना चाहिए, बेसिकली यहाँ पे राइटर का पॉइंट है वो आ रहा है। राइटर फिर एक ये कह रहे हैं कि देखो लेटरल एंट्री का जो नजरिया आप बोल रहे हो वो नया नहीं है, इससे पहले भी लेटरल एंट्री के मेथड को यूज है वो किया जा रहा है कहीं ना कहीं। इसके साथ ही अहम बात है कि हमें यूपीएससी को रिफॉर्म लेके आने होंगे। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि लेटरल एंट्री को तब भी अलाउ करना चाहिए जब हमारे देश के अंदर ये लगे कोई भी पॉलिसी कोई भी काम ऐसा हो रहा हो कि इसका टैलेंट हमारे पास नहीं है, इसकी एक्सपर्टीज हमारे पास किसी ब्यूरोक्रेसी के पास नहीं है, उस कंडीशन में हमें लेटरल एंट्री को अलाउ करना चाहिए और वो भी प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मनमर्जी के मुताबिक ही, प्रॉपर गाइडलाइन किस काम के लिए, उस इंसान में टैलेंट क्वालिटी है या नहीं है उसके आधार पे हमें उससे अलाउ है वो करना चाहिए। इसके साथ ही जब तक डिमांड के अकॉर्डिंग बेसिकली काम यहाँ पे होना चाहिए और पॉजिटिव पॉइंट है उनको भी हमें मद्देनजर देखते हुए चलना होगा। ऐसा नहीं कि हम केवल नेगेटिव पॉइंट्स को देख के इसका विरोध कर सकें, क्योंकि देखो हमें कुछ एरिया में काफी टैलेंट की जरूरत होती है, बहुत एक्सपर्ट लोगों की जरूरत होती है, तो वहां पे हम लेटरल एंट्री के थ्रू लोगों को अलाउ भी कर सकते हैं। तो ये राइटर के कुछ पॉइंट है यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब काफी अच्छे पॉइंट राइटर ने यहाँ पे दिए हैं, काफी बैलेंस पॉइंट आए हैं। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि कृपया प्लीज आप इस जो भी आर्टिकल है या इसको आप जरूर पढ़ें। सेकंड पेज पे मेन जो आर्टिकल है वो बेसिकली लेटरल एंट्री को लेके है, तो इसे आप अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज और फिर जो इसके लिए अभी एप्लीकेशन बिल आ रहा है उसके बारे में, मतलब डीएनए टेक्नोलॉजी यूजेज एंड एप्लीकेशंस रेगुलेशन बिल है, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस है वो किया गया। ये देखो भी नया बिल है, पार्लियामेंट में लाया गया था, इसके बारे में डिस्कशन वगैरह वो की जा रही थी। तो हम थोड़ा मोटा मोटा पॉइंट्स देख लेते हैं क्योंकि अभी तक तो देखो ये बिल है वो प्रॉपर तरीके से पास नहीं हुआ दोनों साइड से, तो इतना कुछ ज्यादा इफेक्ट है वो होते ही नहीं है। बात यहाँ पे की दी जा रही है कि देखो सबसे अहम बात गवर्नमेंट इस चीज पे फोकस कर रही है कि हमें एक नेशनल डेटाबेस है वो क्रिएट करना है, मतलब कहीं ना कहीं डीएनए का डाटा सैंपल को कलेक्ट करके एक ऐसी हमें ड्राफ्ट या बोलना है कि एक ऐसा क्लाउड तैयार करना है जिसमें हमारे पास सभी लोगों के डीएनए सैंपल हो ताकि हम लोगों को आइडेंटिफाई वो कर सकें। देखो बेसिकली ऐसा क्यों किया जा रहा है, बात इसलिए है क्योंकि हमारे देश में जो क्राइम वगैरह हो रहे हैं, मिसिंग पर्सन का इशू आता है कई बार, इन्वेस्टिगेशन में काफी दिक्कत आती है, तो उन सब मामलों में आइडेंटिफाई करने के लिए हम डीएनए का यूज है वो कर सकते हैं, मतलब डीएनए डाटा बैंक बनाएंगे उस डाटा बैंक की हेल्प से हम काम है वो कर सकते हैं। बट लेकिन यहाँ पे राइटर का नजरिया कुछ हो रहा है। राइटर साहब ये कह रहे हैं कि देखो भैया जो ये बिल में आप कह रहे हो ना कि नेशनल डाटाबेस बनाएंगे, आपको अगर नेशनल डाटाबेस बनाने हैं तो आपको बहुत पैसा खर्च करना होगा। राइट, बिल में तो एक आ गया कि 20 करोड़ के आसपास रुपए लगेंगे, बट राइटर कह रहे हैं कि 20 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला, आपको बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ पे खर्च करनी होगी क्योंकि आपको डीएनए लेबोरेटरी बनानी होगी, डीएनए एक्सपर्ट हैं उनको तैयार करना होगा, इसके साथ जगह जगह बनानी होगी। ऐसा नहीं कि आपने पूरे देश में एक ही बना दी, छोटे छोटे लोकल लेवल पे भी आपको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो बनानी होगी, लैब वगैरह क्रिएट है वो करनी होगी, तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो चाहे टैलेंट की बात देख लो, काफी बड़ा पैसा आपको इन्वेस्ट वो करना होगा और कहीं ना कहीं आप जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उतनी मात्रा में आउटपुट आपको नहीं मिलने वाला है। इससे बेटर ये रहेगा
कि हमें जो हमारा जस्टिस सिस्टम है ना इसको इम्प्रूव करना चाहिए, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो खामियां हैं, हमारे जो भी हम कमियां मतलब पीछे छोड़ रहे हैं हमारे क्रिमिनल सिस्टम में, उनको हमें आइडेंटिफाई करके दूर वो करना होगा। हमें केवल नया बैंक बनाने से, इस दिशा में काम करने से सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, हमारे अंदर जो कमी है पहले क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उसको इम्प्रूव है वो करना होगा। जैसे कि हमारे पास जो भी डाटा है उसको प्रॉपर ढंग से हमें यूज है वो करना होगा, पहली बात तो यह है। अभी क्या होता है हमारे देश में काफी भी चीज को लेकर जांच वगैरह होती है उसके अंदर काफी लापरवाही की जाती है, काफी धांधलीबाजी के आरोप है वो लगते हैं, तो कहीं ना कहीं तो जांच में प्रॉपर ढंग से करनी होगी। इसके साथ ही इन्वेस्टिगेशन वगैरह उस पर काफी अहम फोकस करना होगा, सैंपल का जो एनालिसिस किया जाता है किसी भी चीज का उस पर अहम ध्यान वो रखना होगा, और कोर्ट के अंदर भी हमें सबूतों को काफी ढंग से पेश वो करना होगा। अगर ये सारे काम डीएनए को लेकर आप देखो कि डीएनए को लेकर ढंग से तो इन्वेस्टिगेशन हो, फिर जो सैंपल है वो ढंग से कलेक्ट किया जा रहा हो, उसका मिसयूज नहीं किया जा रहा हो, इसके साथ ही उसको जो भी आप बोलते हो कोर्ट के अंदर ढंग से पेश किया जाए तो ही हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये सारे काम है काफी लंबी प्रोसीजर होते हैं और काफी कॉम्प्लेक्स भी है, हमें लग रही बहुत आसान है बट इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा, और वो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए वर्थ नहीं है। मतलब जितना पैसा हम यहाँ पे खर्च कर रहे हैं इस वाले एरिया में, उस उतने ही पैसे को अगर हम किसी दूसरे डायरेक्शन में यूज करें तो काफी हद तक हमें अच्छे रिजल्ट है देखने को मिल सकते हैं। मतलब राइटर यहाँ पे डीएनए डाटा बैंक को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, राइटर का कहना है कि हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हुआ या हमारे प्रशासन में और भी जो जस्टिस सिस्टम में खामी है उनको दूर करना चाहिए, मेन बात यहाँ पे वो की जा रही है। फिर राइटर पॉइंट बता रहे हैं कि देखो जो अभी बिल है इसमें डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड की बात हो की जा रही है, बट इस डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड को रेगुलेट करने के लिए भी कोई ना कोई बॉडी तो होनी चाहिए ताकि ये मनमर्जी से काम ना करें, वो यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं किया गया, कोई मॉनिटरिंग की बातें यहाँ पे नहीं की गई है। इसके साथ ही राइट टू प्राइवेसी बात की जा रही है कि देखो अभी राइट टू प्राइवेसी है उसको लेके भी लॉ वगैरह बनने की बात है, तो सब कुछ पहले बने उसके बाद हमें प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू काम है वो करना चाहिए, डाटा प्रोटेक्शन लॉ है वो बनना चाहिए। इसके साथ ही कहीं ना कहीं हमें मिसयूज नहीं करना चाहिए, मतलब इसका जो पैसा है वो कहीं दूसरे डायरेक्शन में अगर हम यूज करें तो हमें अच्छे रिजल्ट वो मिल सकते हैं। फिर देखो आज एक आर्टिकल है संविधान के अंदर जो आपको पता है आर्टिकल 35 है उसके बारे में, तो इस आर्टिकल को हम अलग से डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है या तो कल वाले के साथ कल हम अलग से डिस्कस कर लें सुबह, या हो सकता है कि आज देर रात भी हम इसको यहाँ पे अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी अच्छे पॉइंट आए हैं। मैं यहाँ आपको दो चार लिंक भी दूंगा, उन पॉइंट्स का आप यूज करते हुए बेसिकली आंसर लिख सकते हो या कहीं ना कहीं आप उन पॉइंट्स का यूज वो कर सकते हो, तो इस आर्टिकल को हम अलग से डिस्कस वो करेंगे। अब देखते हैं हम कल के आर्टिकल। देखो बेसिकली आपको पता है कि करुणा निधि हैं उनकी, जो हमारे काफी महान पॉलिटिशियन थे उनकी भी डेथ है वो हो गई थी, तो उसी मौके पे आज भी उनके बारे में काफी सारे पॉइंट हम आए थे आर्टिकल में, और कल भी काफी सारे पॉइंट हम आए थे, तो वहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है द्रविड़ियन मूवमेंट, क्योंकि वो द्रविड़ियन मूवमेंट से काफी बिलोंग करते थे और वहाँ कुछ ना कुछ राजनीति जो हलचल है वो हम देखते हैं। जो करंट राजनीति अभी तमिलनाडु में चल रही है वो तो देखो कुछ भी काम की नहीं है, 0% काम की है, पर जो पहले द्रविड़ियन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था क्यों से तो स्टार्ट हुआ था, कौन सी कंडीशन थी, वो हम यहाँ पे एक बार एक थोड़ा फ्रेमवर्क में देखते हैं, तो आप इन पॉइंट्स को थोड़ा नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हिस्ट्री के अंदर हमारे लिए काफी अहम पॉइंट है वो बन जाते हैं। देखो द्रविड़ियन मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी 1916 से, 1916 में जस्टिस पार्टी है वो बनाई गई थी, आपको पता है ये बेसिकली जो पार्टी थी ये एंटी ब्राह्मण पार्टी थी, क्योंकि साउथ के अंदर ब्राह्मण थे, इनका वर्चस्व बहुत ज्यादा था, ये अपनी मनमर्जी कर रहे थे ऐसा आरोप लगा था, तो जो एंटी मतलब नॉन ब्राह्मण जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, ब्राह्मण के अगेंस्ट बेसिकली ये पार्टी इसका निर्माण किया था जस्टिस पार्टी को, 1916 में बेसिकली स्टार्ट है वो हुई थी। इसके बाद हुआ क्या, 1925 के अंदर पेरियार सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है वो चलाई गई थी एंटी ब्राह्मण के द्वारा, क्योंकि जो एंटी ब्राह्मण लोग थे उनको कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो लोग थे तमिल साउथ के वो बेसिकली नीची नजर से देखते थे और कहीं ना कहीं उनको दबाने की बात वो सामने आती थी, तो जो एंटी ब्राह्मण लोग थे या नॉन ब्राह्मण जो लोग थे उन्होंने क्या किया, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया, मतलब खुद को आत्मसम्मान दिलाने की उन्होंने कोशिश है वो की, जैसे कि उन्होंने की नीचा खाना नहीं खाना, मतलब जो नॉर्मल ब्राह्मण लोग जो ट्रेडिशन फॉलो करते हैं मंदिर में पूजा वगैरह करना, वो सारे रूल उन्होंने स्टार्ट है वो कर दिए, ताकि कहीं ना कहीं उनके खुद के मन में ये गंदी भावना नहीं है कि यार हम नीचे हैं, मतलब खुद में सेल्फ रिस्पेक्ट की बात उन्होंने स्टार्ट है वो मूवमेंट स्टार्ट कर दी, और इससे कहीं ना कहीं जो डिफरेंस थे वो कम होने की बात होगी, मतलब जो डिफरेंसेस हो रहे थे ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण में वो कम करने की बात की, और इसी के साथ ये बेसिकली सबसे अहम आप बोल सकते हो कि सोशल रिफॉर्म के लिए काफी अहम पॉइंट इसके द्वारा साबित हुए, मतलब सोशल रिफॉर्म के अंतर्गत पेरियार सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के द्वारा काफी अच्छा काम है वो किया गया था। इसके बाद हुआ क्या था, देखा जाए 1944 के अंदर द्रविड़ियन कगणम नाम की पार्टी है वो बनाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना, ये बनाई गई थी पेरियार के द्वारा, पेरियार वहां के एक महान लीडर थे, पॉलिटिशियन आप बोल सकते हो, उनके द्वारा बेसिकली डीके पार्टी है द्रविड़ियन कगणम जो पार्टी है वो बनाई गई थी 1944 में। अब देखो जब इन्होंने पार्टी बनाई इसके बाद क्या हुआ, पार्टी ठीक है चल रही थी बट इसके बाद क्या हुआ, 1949 के अंदर क्या हुआ, डीएम जो डीके पार्टी थी द्रविड़ियन कगणम पार्टी ये दो भागों में टूट गई, ये डीके पार्टी का एक पार्ट तो रह गया डीके और दूसरा टूट के हो गया डीएमके,
तो इसके आपको ध्यान रखना कि डीएम के दूसरा पार्ट यहाँ पे मतलब वो बन गया था, और दूसरे जो यहाँ पे डीएम के हिस्सा इसका बना था वो इसलिए बना था क्योंकि जो द्रविड़ कंगड़म जो पार्टी के हेड थे उस टाइम पे पेरियार, वो एक्चुअली इलेक्शन नहीं लड़ने की बात पे फोकस है वो कर रहे थे कि यार हमें यहाँ पे अलग है वो होना है, ऐसे वहां पे इश्यू चल रहे थे। क्योंकि देखो जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम पे साउथ के जो स्टेट थे बेसिकली आंध्र प्रदेश ये सब मिलकर ये चाहते थे कि एक अलग से द्रविड़ नाडु नाम का एक अलग से स्टेट वगैरह बनाए, अलग से ही कंट्री है वो बनाई जाए, बट ऐसा वहां पे पॉसिबल नहीं हुआ और इसके फलस्वरूप ये पार्टी यहाँ पे टूट गई थी और ये जो डीएम के पार्टी थी इसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया था। इसके बाद में हुआ क्या, 1967 के अंदर बात कुछ ऐसे हुई कि डीएमके जो पार्टी है इसका रूल है जो इसके हेड थे जिनका नाम था बेसिकली उस टाइम पे वो थे अन्नादुरई, तो अन्नादुरई के उस टाइम पे निधन है, उनकी मृत्यु है, वो होगी। और इसके बाद जो सारा कार्यभार है डीएमके पार्टी का वो आया करुणानिधि के पास, जो कि मतलब 69 में बेसिकली उनको पदभार है वो दिया गया था, मतलब करुणानिधि वहां पे 69 से एक्चुअली डीएमके हेड के तौर पे काम है वो कर रहे थे। इसके बाद ये हम बात करें 1972 में वापस द्रविड़ पार्टी है वो दो भागों में, डीएमके पार्टी फिर दो भागों में टूटी, पहले डीके पार्टी दो भागों में टूटी, इसके बाद डीएमके दो भागों में टूटी, एक तो हो गया डीएमके और एक हुआ एआईडीएमके। एआईडीएमके के हेड थे वो वहां पे थे डॉक्टर एमजीआर, वो वहां बेसिकली हेड थे। इसके बाद देखो जो बात की गई थी जो भी दो साल पहले जयललिता की निधन हुई थी वो भी बेसिकली अभी यहाँ पे एआईडीएमके के हेड थी, मतलब डॉक्टर एमजीआर के बाद उन्होंने कार्यभार संभाला था और डीएमके का जो हेड थे वो यहाँ पे थे करुणानिधि। तो यहाँ पे राइटर बता रहे थे कि देखो दोनों ही मतलब डीएमके पार्टी के दो हिस्से थे, एक तो एआईडीएमके हो गया और एक डीएमके, दोनों के मेन लीडर हैं वहां पे खत्म हो गए और साउथ की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा गैप है वो क्रिएट हो गया। और अब इस गैप को फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियां सारे साम दाम धनबे की हेल्प है वो यहाँ पे ले रही है। इसके बाद हम बात करें 1993 में क्या हुआ था, डीएमके वो फिर दो भागों में टूट गई, एक भाग तो डीएमके होगा और एक पार्ट और होगा जिसका नाम होगा एमडीएमके। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, बट ये देखो ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि नई वाली राजनीति स्टार्ट हो जाती है तो कुछ खास पॉइंट नहीं होते हैं, हमें यहाँ तक पता होना चाहिए कि ये क्या क्या सीन था, किस तरीके से स्टार्ट हुए थे द्रविड़ियन मूवमेंट, तो वो सब हमने देख ली। सबसे पहली बात एंटी ब्राह्मण हुए थे, जस्टिस पार्टी के द्वारा स्टार्ट है वो की गई थी, तो ये सारी हमने हिस्ट्री यहाँ पे देख ली। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो जीएसटी को लेके है, जीएसटी को लेके आज भी आर्टिकल आया और कल भी बेसिकली आर्टिकल आया था, तो दोनों को मिला के हम पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं। देखो जीएसटी काउंसिल की भी मीटिंग हुई थी बट इस मीटिंग में कोई भारी चेंजेस नहीं हुए कि भाई इस बार टैक्स रेट या स्लैब वगैरह में चेंजेस किया गया, कुछ खास चेंजेस यहाँ पे हुआ नहीं, इवन कोई चेंज वगैरह नहीं किया गया था। अब जीएसटी का से आपको पता है कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टाइप का टैक्स है। अब यहाँ पे राइटर जो बता रहे हैं कि देखो जो जीएसटी का जो रिवेन्यू है इनडायरेक्ट टैक्स का वो कहीं ना कहीं जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे कम है। 2018-19 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें रिवेन्यू कम कलेक्ट हो रहा है, देखा जाए तो मार्च का जो 70 था मतलब जो कि 2017-18 का ईयर था, मार्च के 70 में काफी 1 लाख से भी ज्यादा पैसा है वो मतलब वहां पे कलेक्ट हो किया गया था, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बात यहाँ पे की जा रही है। बट इस बार जो प्रोडक्ट इस बार जो रिवेन्यू हासिल हो रहा है हमें जीएसटी से वो काफी कम हो रहा है। इसके पीछे देखो एक तो रीजन ये है कि अभी रिसेंटली जो काफी टैक्स रेट है वो कम की गई थी काफी प्रोडक्ट्स पे, तो कहने की ऑब्वियसली उससे भी लॉस है वो होने वाला है। बट यहाँ पे जो मूडी आपको पता है कि इंडस्ट्री मूडी एक कंपनी है, इस कंपनी के द्वारा कहा गया कि जो भी अभी टैक्स रेट वगैरह कम की गई है उनकी हेल्प से हमारे देश की जीडीपी पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0.04 से लेकर 0.08% तक का ही लॉस हो सकता है रिवेन्यू का, वो ज्यादा भारी बड़ा लॉस नहीं होने वाला है, मतलब वो भी धीरे धीरे कवर है वो हो जाएगा। बट यहाँ पे राइटर का एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है एमएसएमई सेक्टर के लिए, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के लिए। देखो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज है उनकी मिनिस्ट्रियल जो ग्रुप है ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए फोकस है वो कर रहा है, इनके लिए एक बेसिकली मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया गया है क्योंकि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज है इनको देखो जब से जीएसटी लागू है इनको काफी दिक्कत आ रही है, इवन पहले नोटबंदी हुई तब भी इनको काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, तो इसीलिए मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया गया इनके लिए ताकि इनकी जो प्रॉब्लम है एमएसएमई सेक्टर की उनको दूर है वो किया जा सके, तो ये काफी अच्छा काम हो किया गया था। इसके बाद में बात की जाती है कि एक जीएसटी काउंसिल के द्वारा अच्छा काम आपको पता ये किया गया है कि जो 5 करोड़ से कम का जिन कंपनी का टर्नओवर है मतलब जिन कंपनियों का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उनको 3 महीने में केवल एक बार ही रिटर्न फाइल करनी है, ऐसा नहीं है कि उनको हर महीने फाइल करनी है, अदरवाइज पहले ये प्रावधान था कि भाई हर महीने आपको रिटर्न फाइल करनी है, तो फिर इन कंपनियों ने कहा कि देखो हमारा रिवेन्यू इतना है नहीं और हम तो इस रिटर्न फाइल करने में ही रह जाते हैं तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ छूट दी जाए, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने प्रावधान किया कि भाई 5 करोड़ से जिन कंपनी का टर्नओवर कम है उनको 3 महीने में एक बार ही रिटर्न वो फाइल करनी है। इसके साथ ही देखो अभी जो कुछ ग्रुप्स हैं उनके द्वारा आवाज उठाई जा रही है कि जो ई वे बिल जनरेट किया जा रहा है उसका अभी प्रावधान ही है कि अगर आपको 50,000 रुपए का सामान है अगर वो ट्रांसफर करना है एक एरिया से दूसरे जगह पे तो उसके लिए आपको ई वे बिल है वो जनरेट करना होगा, तो कुछ जो बिजनेस ग्रुप है उनका कहना है कि देखो इस लिमिट को आप 1 लाख तक करो 50,000 की बजाय ताकि हमें भी तो सहूलियत हो और हम भी कागजी कार्रवाई में थोड़े ज्यादा फंसे नहीं रहे।
इसके साथ ही राइटर ये करें कि देखो अब इस बार जो जीएसटी काउंसिल में मीटिंग हुई है उसमें काफी तरह के रिफॉर्म आए हैं, क्योंकि पहले काफी सारे नेगेटिव पॉइंट देखने को ये मिले थे कि स्टेट की बातों को फोकस नहीं किया जाता था, सेंट्रल अपनी मनमर्जी कर रही थी, बट अभी क्या हो रहा है जो नया फ्रेमवर्क आ रहा है जीएसटी का, इसमें सारे डिसीजन वो सर्वसहमति से लिए जा रहे हैं, मतलब स्टेट की बातों को भी फोकस किया जा रहा है, डिजिटल ट्रांजिशन के ऊपर कैशबैक की बात हो की जा रही थी तो उस पर भी सर्वसहमति बनने की कोशिश है वो पूरी पूरी की जा रही है। इसके साथ ही स्टेट की बातों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, क्योंकि देखो जीएसटी इंप्लीमेंट तो स्टेट को करना है ना लास्ट में भी, तो अगर स्टेट इसके साथ मिलकर काम करेंगे तो काफी अच्छा रिवेन्यू हासिल हो सकता है। तो सर्वसहमति से अगर डिसीजन लिए जा रहे हैं और मिलकर काम किया जा रहा है तो दोनों ही साइड काफी अच्छा फायदा है वो होने वाला है। तो यह है कंप्लीट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आया है वो है बांग्लादेश और प्रोटेस्ट के बारे में। तो देखो बात ऐसी है कि बांग्लादेश में अभी प्रोटेस्ट हम चल रहे हैं और उसको लेके माहौल बिगड़ गया है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है, नोट्स बनाने की कोई जरूरत है वो यहाँ पे नहीं है। देखो बात इश्यू यहाँ पे स्टार्ट हुआ कि रोड एक्सीडेंट हुआ और उस दौरान स्टूडेंट की डेथ है, वो दुर्घटना हो गई और काफी बच्चों की जाने वाने चली गई, ये सारा सीन स्टार्ट हुआ। इस दौरान बाद में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ कि भाई रोड सेफ्टी को लेके, कि रोड सेफ्टी है उसके ऊपर फोकस किया जाए और जो भी दुर्घटना हुई है उन रीजन को आइडेंटिफाई करके प्रॉपर सॉल्यूशंस किया जाए। बट हुआ क्या, वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसने उसको दबाने की कोशिश की, मतलब कहीं ना कहीं अपनी पावर का यूज करने की कोशिश की, इसके फलस्वरूप रिजल्ट हो गया कुछ उल्टा, मतलब बैकफायर हो गया काम। राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया कि चलो ठीक है प्रेशर से दबा देते हैं, कोई मामला कोई बात नहीं है, बट मामला क्या हुआ, बैकफायर कर गया, मतलब इसके रिएक्शन हो गया और भी सारे जो इश्यूज थे वो सारे सामने आने लग गए, मतलब जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था पहले रोड एक्सीडेंट को लेके, उसके अलावा और भी तरह के इश्यूज सामने आ गए, जैसे कि वहां पे मीडिया को दबाया जा रहा है, करप्शन वगैरह ज्यादा किया जा रहा है, रिश्वत वगैरह खो रही होगी, बैंकों को लूटा जा रहा है, ह्यूमन राइट्स वगैरह की वॉयलेशन की बात है, वो सारे पॉइंट सामने आने लगे, तो इसलिए वहां पे माहौल और ज्यादा खराब हो गया और मतलब कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उसको कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अभी देखो बेसिकली बात करें वहां पे, तो वहां पे शेख हसीना गवर्नमेंट है की सरकार वहां पे है जो कि आवामी लीग से बेसिकली बिलोंग है वो करती है। तो राइटर कह रहे हैं कि शेख हसीना ने अपनी पार्टी को बचाने के लिए जो अपोजिशन की पार्टी है उसको कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया, उसको कहीं ना कहीं जेल में डाला, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे एक्शंस लिए कि ताकि वहां की जो अपोजिशन की पार्टी है वो दोबारा इलेक्शन में जीत नहीं सके। देखो नॉर्मली इंडिया के अंदर तो ऐसा नहीं होता है, पर थोड़े बहुत लेवल पे होता है, बट इतना बड़ा लेवल पे काम नहीं होता कि दूसरी जो पार्टी है उसको प्रॉपर तरीके से प्रेशराइज या दबा दिया जाए। बट बाकी वर्ल्ड की जो अदर कंट्री उन पाकिस्तान में भी ऐसा होता है और देखा जाए तो बांग्लादेश में यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जो पार्टी सत्ता में आती है वो दो तीन बार सत्ता में आ गई तो फिर वो सत्ता छोड़ने को चाराजी नहीं होती है, चाहे इलेक्शन हार जाती है तो क्या करती है, वो इलेक्शन को इनवैलिड करा देती है, मतलब कहीं ना कहीं वो एक तरीके से तानाशाही का रोल है वो करने लग जाती है और वही हाल यहाँ पे किया जा रहा है। बट देखो बात करें शेख हसीना की, वो इंडिया के लिए तो अच्छी है, तो राइटर का ये कहना है कि देखो शेख हसीना की गवर्नमेंट वो इंडिया के लिए अच्छा काम करती है, तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एक बार इस चीज के बारे में डिस्कस करना चाहिए कि भाई वहां पे इस तरह के अगर नॉर्मल ह्यूमन राइट्स को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो उसके लिए सीरियस लेके उनको काम हो किया जाए, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट उनको प्रेशराइज करे, क्योंकि फिर ये ह्यूमन राइट का जब मामला आया तो ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे छा गया और इससे बांग्लादेश को काफी कुछ नुकसान है उठाना पड़ सकता है। तो ये सारे इस आर्टिकल में बेसिकली पॉइंट आए हैं, तो उनको हमने देख लिया कि सारा सीन क्या था, आपको नोट्स लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बस सामान क्या चल रहा है वहां पे वो हमने देख लिया। अब बात करें हम परसों के आर्टिकल की, तो देखो एनआरसी का आर्टिकल आया था पहले एक, तो उसमें कुछ भी पॉइंट काम के नहीं थे। अब हम वहां पे एक नया आर्टिकल था, वो था इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में, मतलब साउथ प्रशांत, साउथ प्रशांत जो आप बोल सकते हो कि प्रशांत महासागर है उस वाले एरिया को लेकर आर्टिकल आया था। सीन आपको बता दूं क्या है कंटेक्स्ट का, कंटेक्स्ट ये है कि ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड है ना, इनके एक्चुअली अभी देखा जाए और एक साइड चाइना है, मतलब एक साइड तो चाइना है और एक पाले में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, दोनों के इंटरेस्ट कहीं ना कहीं टकरा रहे हैं, क्योंकि साउथ प्रशांत पैसिफिक या साउथ पैसिफिक वाला जो एरिया है उसके अंदर हेड देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही रहते हैं, क्योंकि वो उसी एरिया से बिलोंग है वो करते हैं। बट हो क्या रहा है वहां पे, अभी चाइना अपने बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के तहत वहां पे अपनी मनमर्जी है वो वहां पे कर रहा है, ये सारा मामला बेसिकली वहां पे चल रहा है। मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि साउथ पैसिफिक वाले ओशियन के अंदर चाइना कहीं ना कहीं अपनी मनमर्जी है उसको इम्प्रूव वहां पे कर रहा है और चाइना अपने आप को तानाशाही के तौर पे वहां पे लेके जा रहा है और अपने हालात को चेंज कर रहा है और कहीं ना कहीं उनकी जो सॉवरेनिटी है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की उसको भी इफेक्ट है वो कर रहा है, ये सारा सीन है। तो एक बार थोड़ा मैप देख लेते हैं। देखो आप जब भी एग्जाम में आंसर राइटिंग करते हो तो इस तरीके से आपको मैपिंग है थोड़ी टेम्प्रेरी आप बना सकते हो, इससे क्या कि आपको काफी हद तक बेनिफिट है वो मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आपको पता है कि पाकिस्तान है, यहाँ पे इंडिया हो गया, तो यहाँ पे मालदीव वगैरह है। अब हम बात करें चाइना की, तो आपको पता है तो चाइना है वो इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है उनको सपोर्ट करता है। इसके साथ ही मालदीव के अंदर भी हमने देखा था किस तरीके से चाइना है वो मतलब वहां पे हस्तक्षेप है, इंटरवेंशन है वो कर रहा है। ये इंडियन ओशन वाला एरिया होगा, ये यहाँ पे होगा एक्चुअली साउथ पैसिफिक वाला एरिया जिसमें फिजी जैसे आइलैंड वाली कंट्रीज आती हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला था, ये वाला एरिया होता है वो होता है बेसिकली साउथ पैसिफिक एरिया।
अब देखो राइटर कह रहे हैं कि इंडियन ओशन के अंदर क्या है, इंडियन ओशन के अंदर देखा जाए तो इंडिया का दबदबा रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिया का मैक्सिमम हिस्सा वो इस वाले ओशन में आता है, वो पास छोटी छोटी कंट्रीज हैं तो इंडिया उनके साथ लिंक वो करता है। बट कहीं ना कहीं चाइना भी इस वाले एरिया में अपनी अंगोली है, वो टांग अड़ा रहा है और सेम वही हालात यहाँ पे चाइना कर रहा है साउथ पैसिफिक ओशियन में। तो मतलब क्या हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड हो गए, इन दोनों के साथ इंडिया मिलकर काम कर सकता है, क्योंकि दोनों का दुश्मन यहाँ पे कौन है, चाइना। क्योंकि तो चाइना के दोनों की एरिया में हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए ये तीनों कंट्रीज मिलकर यहाँ पे काम है वो कर सकती हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया तीनों को मिलकर यहाँ पे काम वो करना चाहिए। देखो तो चाइना वो कहने की इंडिया के अगेंस्ट एक्टिविटीज है वो पनपनाता है, इसका कहने की उनको रोल है वो देता है। इसके साथ ही वहां पे काफी तरह के इशूज सामने वो आते रहते हैं इंडिया के और चाइना के देखा जाए तो। अब यहाँ पे देखो बात कुछ ये की जा रही है कि इंडिया का जो रिस्पॉन्स है वो कुछ अच्छा नहीं है। मतलब इंडिया काम तो कर रहा है कुछ वाले एरिया के लिए, बट ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं मतलब पीछे रह रहा है। इंडिया की देखो जो पॉलिसी है हमारे पड़ोसी देशों में वो अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं इंडिया जैसे बात कर देता है कि बांग्लादेश के साथ अभी कोई मीटिंग वगैरह हुई तो इंडिया कहता है कि हाँ हम ऐसा काम करेंगे, हम आपके लिए वहाँ पे प्रोजेक्ट लगाएंगे, बट उस प्रोजेक्ट में काफी डिले करता है। चाइना के पास कहीं पैसा खूब है तो चाइना क्या करता है, उस पैसे को तुरंत इन्वेस्ट कर देता है और उनको डेट ट्रेप में अपने चक्कर में फंसा लेता है। जिस तरीके से हमने देखा था कि यहाँ पे हमंतोता पोर्ट था श्रीलंका में, उसको कहीं ना कहीं चाइना ने किस तरीके से डेट ट्रेप में फंसा के अपने चंगुल में फंसा लिया। तो उसी तरीके से चाइना अपनी पॉलिसी का प्रसार है वो करता रहता है। जैसा अभी हमने कुछ टाइम पहले एक बार डिस्कस भी किया था कि चाइना ने जिबूटी में अपना नेवल बेस बनाया था, और सेम वही हालात यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे एक्चुअली एक आइलैंड है, वहां पे क्या कर रहा है चाइना अपना नेवल बेस है वो क्रिएट कर रहा है। मतलब चाइना ये चाह रहा है कि भाई पूरे वर्ल्ड में मैं सुपर पावर बनूं, तो इसलिए सारे वर्ल्ड के अंदर मेरी जगह जगह पे आर्मी वगैरह मिलिट्री बेस होने चाहिए ताकि मैं अपना दबदबा रख सकूं। देखो आज के टाइम पे यूएसए वो कहीं ना कहीं पीछे खिसक रहा है। यूएसए पीछे क्यों खिसक रहा है, क्योंकि यूएसए है वो नहीं चाहता कि पैसे खर्च करे। ट्रंप की पॉलिसी कुछ इस प्रकार है कि वो ग्लोबल पुलिसमैन के तौर पे काम नहीं करना चाहते, जबकि चाइना चाहता है कि भाई वो ग्लोबल पुलिसमैन का रोल है वो तैयार अपने हाथों में ले ले और पूरे विश्व में पुलिसगिरी का काम वो चाइना करे। इसके साथ ही चाइना वो कनेक्टिविटी के लिए बहुत सारा पैसा है वो प्रोवाइड करता है कंट्रीज को, और देखा जाए तो चाइना के पास बहुत बड़ी मात्रा में पैसा भी है, इसलिए चाइना अफ्रीका जैसे कंट्रीज हुई, नेपाल जैसे कंट्रीज हुई और भी जैसे कंट्रीज आप ले सकते हो, मालदीव वगैरह, यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट है वो फोकस कर रहा है। चाइना अपनी नेवल पावर को लगातार बढ़ाना चाहता है, क्योंकि देखो बाकी जो कंट्रीज है वो नेवल पावर का यूज करते ही, हम पुराने टाइम से देख लो आप अंग्रेजों ने इंडिया पे कैसे राज किया था, उनके पास बहुत बड़ी नेवल पावर थी और उसकी हेल्प से उन्होंने बाकी समुद्री लुटेरों को ले लो या बाकी अदर कंट्रीज को इंडिया में नहीं आने देता। तो सेम वही कॉन्सेप्ट चाइना यहाँ पे ले रहा है, मतलब अपने नेवल बेस बना रहा है और उसकी हेल्प से अपनी मनमर्जी अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश है वो की जा रही है, और चाइना सभी कंट्रीज को डेप्थ ट्रेप में भी घुसा रहा है। फिर यहाँ पे देखो बात की जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया के पास दो तीन छोटे छोटे आइलैंड में से ऑस्ट्रेलिया हुआ और वहां पे एक सोलोमन आइलैंड है, इसके साथ ही पापा न्यू गिनिया जैसी जो आइलैंड है, ये क्या कर रही है कहीं ना कहीं इनको चाइना पैसे देने का कोशिश कर रहा है, मतलब पैसे दे के इनको डेप्थ ट्रेप में फंसा लिया जाए। देखो बेसिकली हुआ ये था कि ऑस्ट्रेलिया, सोलोमन आइलैंड और जो पापा न्यू गिनिया आइलैंड है, इनमें चाइना ने क्या कहा था, डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए उन्होंने कहा कि हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। चाइना ने कहा कि हम $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब सारा पैसा हम ही यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, बट ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया कि नहीं हमें कोई जरूरत नहीं है डिजिटल कनेक्टिविटी की, हम खुद कर लेंगे। क्योंकि चाइना, ऑस्ट्रेलिया को पता था कि अगर चाइना यहाँ पे इन्वेस्ट करा है तो वो अपनी मनमर्जी करेगा, कहीं ना कहीं तो अपने इंटरेस्ट तो सर्व करेगा ऑब्वियसली, इतनी तो भलाई नहीं करेगा कि वो अभी अपने पैसे यूं ही दे दें, तो कहीं ना कहीं वो अपनी मनमर्जी करेगा, तो बेटर है कि हम इस मामले को यहीं मना कर दें, और उन्होंने इसलिए मना कर दिया। कहीं ना कहीं जो चाइना है उस पर आरोप लगता है कि चाइना है वो रीजनल ऑर्डर को डिस्ट्रॉय है वो करता है। इंडियन ओशन में भी देखा कि बाकी जो कंट्रीज हैं इनके साथ अंगुली करके माहौल बिगाड़ रहा है। इसके साथ ही बात हम करें कि जी जिनपिंग का भी एक समिट हुआ था, उस समिट के दौरान भी चाइना कहीं ना क्या करता है, देखो अपनी पावर को बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश वो कर रहा है। देखा था हमने कि किस तरीके से चाइना ने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट भी किया ताकि जी जिनपिंग को प्रेसिडेंट है वो दोबारा बनाया जा सके, तो वो सारे उन्होंने चेंजेस किए, क्योंकि जी जिनपिंग वहाँ पे काफी अच्छे लीडर के तौर पे काम है वो कर रहे हैं, तो वो सारी बातें यहाँ पे आ रही हैं। फिर यहाँ पे लास्ट में रेटरी कर रहे हैं कि देखो इंडिया के जो रिएक्शन है वो काफी न्यूट्रल है, मतलब इंडिया ढंग से एक्शन नहीं ले रहा है चाइना के अगेंस्ट, हाँ बस बातें करते हैं बट ग्राउंड लेवल पे जीरो का मूव किया जा रहा है। तो राइटर का कहना है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड है इनको मिलकर एक साथ आना होगा और सभी कंट्रीज का सपोर्ट लेते हुए काम करना होगा और अपने आसपास की कंट्रीज में रिलेशन बना के रखने होंगे ताकि चाइना कार्ड वाला इशू ना रहे। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे इस आर्टिकल में डिस्कस है वो किए गए हैं। फिर नेक्स्ट जो एक आर्टिकल है वो इंडियन एक्सप्रेस का, वो है स्किल को लेके। देखो इस आर्टिकल में सीधी सीधी बात पहले तो ये की गई है
काफी अच्छा आर्टिकल है, तो प्लीज आप इसके नोट्स जरूर बनाएं। आर्टिकल में बताया गया है कि हमारे देश में जो भी स्किल दी जा रही है ना, वो मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं है। मतलब जिस कंपनियों को जो स्किल या कंपनियों को जो टैलेंट चाहिए ना, वो टैलेंट हमारे देश में अवेलेबल नहीं है। जो स्कूल या बोल सकते हो कि कॉलेज वगैरह जो टैलेंट दे रही है, स्किल प्रोवाइड करवा रही है, वो स्किल और जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो कहीं ना कहीं मैच नहीं खा रही, इसलिए हमारे देश में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है। बात यहाँ पे की जा रही है आईटीआई की, मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का फोकस किया जा रहा है कि आईटीआई का रोल है वो 1950 के टाइम पे काफी, मतलब उनकी स्टार्टिंग हो गई थी 1950 के टाइम पे। इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जो आप बोल सकते हो कि ट्रेनिंग सेंटर है, इनकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर है, इनकी स्टार्टिंग कर दी गई थी और कहीं ना कहीं इसका काफी फायदा भी हुआ था। बट देखो आज के टाइम पे देखा जाए तो जो आईटीआई है वो ढंग से काम नहीं कर रही, आईटीआई अपनी मनमर्जी है वो कर रही है, तो इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ स्टेप है वो उठाने होंगे, क्योंकि ये मनमर्जी का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे नुकसान पहुंचा रहा है। फिर थोड़ा राइटर डाटा दे रहे हैं कि 1950 से 2007 के बीच में अगर देखा जाए तो हमारे देश में 1986 पब्लिक आईटीआई बनी, इसके साथ 2000 के आसपास प्राइवेट आईटीआई बनी। बट एक आश्चर्यजनक बात क्या है, 2007 से लेकर अभी 2017 के बीच में देखा जाए तो 9000 से ज्यादा आईटीआई को परमिशन या उनको अनुमति, उनको एक्रीडेशन मान्यता वगैरह दी गई है। तो राइटर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इश्यू क्या है, इश्यू यह है कि क्वालिटी है वो गिर गई है। आज के टाइम पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से बीटेक कॉलेज हो गई हैं, आईआईटी कॉलेज हैं वो हो गई हैं, आईटीआई कॉलेज हो गई हैं, कि बच्चों को बस डिग्री फ्री में बांट दी जा रही है, उनको कोई क्लास नहीं जाने की जरूरत है, कोई उनको ट्रेनिंग वगैरह प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, बस डिग्री उनको दे दी जाती है, फिर वो इंडस्ट्री में जाके काम नहीं कर पाते हैं और इसीलिए वो बेरोजगार घूमते हैं। कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड को फोकस नहीं किया जा रहा है, बिना मान्यता के कॉलेज चल रहे हैं, रेगुलेशन के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है, डिमांड के मुताबिक काम नहीं हो रहा है, मतलब इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसके मुताबिक तैयार नहीं किया जा रहा है, वो एक सबसे बड़ी बाधा क्रिएट वो हो जाती है। इसके साथ ही टाइम टू टाइम असेसमेंट है वो नहीं किया जा रहा है, सर्टिफिकेशन है उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, केवल सर्टिफिकेट दे दो, बस डिप्लोमा आपके हाथ में है तो ठीक है, चाहे आपको कुछ उस चीज के बारे में पता हो या नहीं पता। बात यहाँ पे सीधी सी बात ये की जा रही है कि देखो बर्डन में काम किया गया है और गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, गवर्नमेंट पला झाड़ रही है कि देखो भाई हम ये कर रहे हैं, हम स्किल दे रहे हैं। राइटर का कहना है कि हमें हमारे सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा, जो आईटीआई को मान्यता वगैरह दी गई है इसकी तरफ हमें फोकस करना होगा कि वो स्टैंडर्ड को फॉलो क्यों नहीं करनी है। हमें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा करप्शन को कंट्रोल करने के लिए फोकस वो करना होगा, बहुत सारी स्टेप हमें यहाँ पे उठाने की जरूरत है। टाइम टू टाइम हमें मॉनिटरिंग की जरूरत है आईटीआई को, सिलेबस वगैरह हमें क्रिएट करने के फोकस वो करना चाहिए, क्योंकि ये सारे काम अगर ढंग से होंगे तभी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद में बात की जाती है कि नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की जा रही है, एनसीवीटी के बारे में, कि देखो जो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग है इसका काम बेसिकली एक एडवाइजरी रोल पे होता है, मतलब ये एडवाइस देने का काम है उसके द्वारा की जाती है, और स्टेट और सेंटर दोनों ही इस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, ना तो स्टेट ढंग से काम कर रहे हैं और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट कह रही है कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि भैया स्टेट का काम है, स्टेट ढंग से रूल इंप्लीमेंट करें, कहीं तो फंड का इशू आ रहा है कहीं क्या आ रहा है। तो सबसे अहम बात राइटर देखो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो एक तरीके से आप बोलोगे कि जो एनसीवीटी है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग है, इसका अहम काम क्या है, एडवाइजरी तौर तो है ही है बट पेपर वगैरह बनाना और भी तरह के इसके काफी सारे काम है। अभी हो क्या रहा है, पेपर तो बनाती है एनसीवीटी और जो चेक वगैरह किया जाता है पेपर वो किया जाता है किसी और बॉडी के द्वारा, तो मतलब कहीं ना कहीं आपस में काम वो सिंक नहीं हो रहा है, धांधलीबाजी ज्यादा हो रही है, केवल सर्टिफिकेशन पे फोकस वो किया जा रहा है। आप देख सकते हो कि काफी जो कंप्यूटर सेंटर है वहां पे केवल सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि हाँ आओ या नहीं, कोई मतलब नहीं है, दूसरे से एग्जाम दिलाई जा रही है, तो उसका हो क्या रहा नुकसान, हमारे देश में स्किल है वो क्रिएट नहीं हो रही है, उसका हमें काफी भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा। अब यहाँ पे राइटर दे रहे हैं बाद में सुझाव कि भाई हमें कुछ कर भी लेना चाहिए, अब हमने तो बहुत बातें कर ली हैं, सुझाव की बात यहाँ पे ये आ रही है, हमें यहाँ पे कमेटी ध्यान रखनी है, शारदा प्रसाद कमेटी। ये जो शारदा प्रसाद कमेटी आई थी ये थी स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो इस कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उनको हमें अलाउ करना चाहिए। इसके साथ ही हमें एक सिंगल स्किल डेवलपमेंट बोर्ड बनाना होगा हमारे देश में, मतलब केवल एक ही बोर्ड अथॉरिटी बोर्ड ही होनी चाहिए जिसका काम हो स्किल देने का, ताकि आपस में मिसमैच नहीं हो, ताकि अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित की जा सके कि भाई स्किल का काम हो इस बॉडी के द्वारा करना है, ये नहीं हो कि नहीं ये काम हमारा नहीं है इस बॉडी वगैरह का, ये इस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाएगा। एक सिंगल स्किल डेवलपमेंट बोर्ड होना चाहिए, मान्यता वगैरह देने का काम, सिलेबस वगैरह तैयार करना, असेसमेंट करना, स्टैंडर्ड वगैरह तैयार करना, इन पे फोकस करना चाहिए, और क्वालिटी हमें जो ट्रेनिंग है उस पे फोकस करना चाहिए, और इंडस्ट्री की जो डिमांड है या फिर जो फ्यूचर में हमारे क्या क्या डिमांड होने वाली है फॉरेन कंट्रीज की अकॉर्डिंग हमें देखना चाहिए और वहां पे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने चाहिए। इसके बाद में बात की जा रही है कि एनसीवीटी को जो पावर है उसमें भी हमें कहीं ना कहीं पावर बढ़ानी होगी, अभी एनसीवीटी के पास कोई पावर नहीं है और जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उस पर भी हमें काम करना होगा, ऐसा नहीं है कि हम केवल नेगेटिव डायरेक्शन को देख रहे हैं, जहां खामी है उनको दूर करो। इसके बाद में बात की जा रही है कि हमें रेटिंग सिस्टम क्रिएट करना होगा, मतलब जो भी आईटीआई है उनको हमें हर टाइम टू टाइम रेटिंग देनी होगी, तो रेटिंग देंगे तो ऑब्वियसली वो अच्छा काम करेंगे, अगर देखो रेटिंग बनने लग जाएगी तो उनको रहेगा कि यार हमें मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज हमारी रेटिंग डाउन हो जाएगी तो हमारे पास बच्चे नहीं आएंगे। तो इसके साथ ही राइटर यहाँ पे कहना है कि नेशनल जो असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल किए जा रहा है, देखो
अच्छा आपको बताऊं, हायर एजुकेशन के अंदर भी क्या हो रहा था, हमारे देश में हायर एजुकेशन के लिए नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल वो बनाई गई थी, ताकि जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट है उनकी एक तरीके से रेटिंग वगैरह तैयार की जाए। तो राइटर का कहना है कि उसी तरीके से हमें रेटिंग सिस्टम तैयार करना है स्किल के लिए भी, ताकि काम हो ढंग से हो सके। तो ये थे कंप्लीट डिस्कशन, हमारी फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने सारे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे वो डिस्कस हैं कर लिए हैं, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।